स्टार पवन सिंह और आम्रपाली दुबे की मच अवेटेड मूवी शेर सिंह का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। काफी दिनों से उनके फैंस को इस ट्रेलर का इंतजार था और 4 मिनट 11 सेकंड के इस ट्रेलर में आपको इतना एक्शन देखने को मिलेगा कि जितना आपने सोचा नहीं होगा। आपको बता दें कि फिल्म का जो ट्रेलर है उसकी शुरुआत एक्शन से होती है और खत्म भी 2 शेरों के एक्शन पर ही होती है। तो चलिए अब विस्तार से बात कर लेते हैं फिल्म के ट्रेलर के बारे में। पहले बात करेंगे फिल्म के डायरेक्टर शशांक राय के बारे में। जी हाँ, जो इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों हैं। फिल्म के लोकेशन बेहतरीन है। फिल्म लखनऊ, बैंकॉक और राजस्थान तीनों जगह शूट हुई है और तीनों के लोकेशन काफी बेहतरीन है। आपको बता दें, शशांक राय ने एज ए प्रोड्यूसर इस पे बहुत पैसा लगाया है, जो कि फिल्म में दिखता भी है। अब डायरेक्टर शशांक राय की बात कर लेते हैं। जी हाँ, जब आप एक फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों रहते हैं तो आप दोनों पक्षों से बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। आपको बता दें कि शेर सिंह के ट्रेलर से ही पता चल रहा है कितनी जबरदस्त डायरेक्शन की कमान संभाली है शशांक राय ने। फिल्म के राइटर है वीरू ठाकुर। आपको तो याद ही होगा कि इनकी और पवन सिंह की जोड़ी ने कई बार भोजपुरिया सिनेमा में धमाल मचाया है और इस बार भी यह जोड़ी धमाल मचाने के लिए तैयार है। खैर, अब बात हो जाती है डायलॉग की। जी हाँ, भोजपुरी में अगर आप पवन सिंह की फिल्म देख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि एक आध डायलॉग तो फिल्म के ऐसे होंगे जिस पर पूरी कहानी बनती है। जी हाँ, अभी पिछली ही फिल्म पवन सिंह की थी जय हिंद, जिसका एक डायलॉग आज भी दर्शकों की जुबां पर चढ़ा है। पवन सिंह हूँ बेटा, मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है, ये तो याद ही होगा आपको। अब इस फिल्म में कई ऐसे बेहतरीन डायलॉग हैं जो सभी के जुबां पर चढ़ेंगे, लेकिन खासकर वो जो बिहारी वाला लास्ट में डायलॉग है ना, वो तो इस बार सभी के जुबां पर चढ़ेगा। अब बात फिल्म के विलन की कर लेते हैं। फिल्म के विलन के इसलिए क्योंकि पवन सिंह की फिल्मों में जितना अहम रोल हीरोइन का होता है उससे कहीं ज्यादा दमदार रोल विलन का होता है। अशोक समर्थ इस फिल्म के विलन है और आपको बता दें कि वो इससे पहले कई हिंदी और साउथ की फिल्मों में नजर आ चुके हैं। पवन सिंह की फिल्म हो और एक्शन की बात ना हो या फिर आप एक्शन डायरेक्टर को क्रेडिट ना दे तो ये गलत होता है, क्योंकि पवन सिंह की फिल्में एक्शन के लिए जानी जाती है। तभी तो जब ये ट्रेलर स्टार्ट होता है तो काफी लंबे समय तक एक्शन सीन की भरमार रहती है। पवन सिंह की इस फिल्म में एक्शन ये नहीं लग रहा है कि उन पे थोपा गया है या फिर उनके मुताबिक नहीं है। एक्शन उनके मुताबिक है और उनकी पिछली फिल्मों से कहीं ज्यादा दमदार है। जिस तरह से नाम है फिल्म का शेर सिंह, उस तरह से इस फिल्म का टाइटल सूट भी होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस फिल्म के लास्ट में जब पवन सिंह और उस शेर की लड़ाई होगी तो उसे देखने के लिए दर्शक कुछ ज्यादा ही उतावले होंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।